गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्टूबर की जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त एक मैसेज शो कर रहा है कि लेट फी फॉर द मंथ इंक्लूड्स लेट फी चार्ज ड्यू टू डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4 एंड प्रीवियस मंथ लेट फी चार्ज ड्यू टू डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। यानी कि अब से जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आपको जीएसटीआर 3B की लेट फी के साथ साथ जीएसटीआर 1 की भी लेट फी जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होगी और उसका पेमेंट आपको जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त करना होगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जीएसटीआर 1 की लेट फी को जीएसटीआर 3B में क्यों दिखाया जा रहा है। इसका मेन कारण है कि जीएसटीआर 1 में लेट फी का टेबल मौजूद नहीं है, इसलिए जीएसटीआर 3B में जीएसटीआर 1 की भी लेट फी को पोर्टल दिखाएगा। इस लेट फी को पोर्टल कैसे कैलकुलेट करेगा, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला दिया है पोर्टल ने। डेट ऑफ फाइलिंग माइनस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनटू रुपीस पर डे। यानी कि अगर आपने अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 1 20 नवंबर 2022 को फाइल किया है तो फिर आपको 9 दिन की लेट फी अदा करनी होगी अगर उस जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 11 नवंबर 2022 थी। अगर बात करें कि कितनी लेट फी देनी पड़ेगी, तो अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो पर डे रुपीज 50 करके लेट फी लगेगी, यानी कि सीजीएसटी में 25 रुपये और एसजीएसटी में 25 रुपये पर डे। वहीं अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में रुपीज 20 पर डे लेट फी लगेगी, सीजीएसटी 10 रुपये एंड एसजीएसटी 10 रुपये। ये तो थी पर डे की लेट फीस। पर आपको याद होगा नोटिफिकेशन नंबर 20/2021 जिसमें मैक्सिमम लेट फी की कैपिंग कर दी गई थी 1 जून 2021 से फाइल्ड होने वाले जीएसटीआर 1 पर। यानी कि अगर आपका जीएसटीआर 1 जून 2021 से पेंडिंग है तो मैक्सिमम एक लिमिट दी गई है जिससे ज्यादा आपको लेट फी नहीं लगेगी। वहीं अगर आपका जीएसटीआर 1 1 जून 2021 से पहले का ड्यू है तो फिर इसमें कोई कैपिंग नहीं है, उस पर आपको पर डे वाइज पूरी लेट फी का भुगतान करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 20/2021 की कैपिंग कितनी है। नंबर 1, अगर आपकी जीएसटीआर 1 नील है तो मैक्सिमम रुपीज 500 यानी कि सीजीएसटी में 250 एंड एसजीएसटी में 250 पर आपको बतौर लेट फी अदा करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपके जीएसटीआर 1 में कोई आउटवर्ड सप्लाईज है तो फिर 3 सिनेरियो निकलकर सामने आते हैं। पहला है, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ तक है तो फिर आपको मैक्सिमम लेट फी रुपीज 2000 तक लगेगी, यानी कि सीजीएसटी 1000 एंड एसजीएसटी 1000। दूसरा है, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है तो फिर आपको मैक्सिमम लेट फी रुपीज 5000 तक लगेगी, यानी कि सीजीएसटी 2500 और एसजीएसटी 2500। एंड तीसरा है, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको मैक्सिमम लेट फी 10000 तक लगेगी, यानी कि सीजीएसटी 5000 एसजीएसटी 5000। याद ये रखना है कि ये मैक्सिमम लेट फी वाला कैपिंग एप्लीकेबल होगा जून 2021 के जीएसटीआर 1 रिटर्न से, उससे पहले की रिटर्न में कोई कैपिंग नहीं है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।